आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको जन्माष्टमी के उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्मी का वास होगा। जन्माष्टमी इस साल 2019 में 24 अगस्त को है। जन्माष्टमी के दिन मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो इससे माता लक्ष्मी पर प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी, इसलिए अगर इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो जन्माष्टमी के दिन आप जो भी उपाय करें वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें तो उससे आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इस खीर में तुलसी के पत्ते डालें, इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, भगवान कृष्ण को पीले फूल की माला अर्पण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन संबंधित परेशानी दूर होती है और लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के कपड़े, पीले अनाज, पीले फल, पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और यश की कमी नहीं रह जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को आप सफेद मिठाई के अलावा साबूदाने अथवा चावल की खीर का भोग लगाएं। खीर में चीनी की बजाय मिश्री का प्रयोग करें और तुलसी दल डालें, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। तो इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए, इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और व्यक्ति मालामाल हो जाता है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मनचाहा जीवन साथी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई चलाएं, मिश्री, शहद और इलायची का भोग लगाएं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी की रात 12 बजे हुई थी तो उस समय दूध में केसर मिलाकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पानी वाला नारियल और केला अर्पित करना चाहिए और अपने मनचाहे प्रेमी या प्रेमिका को मन में रखकर ओम क्लिम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने रोजाना इस मंत्र का 5 माला जपें। इस उपाय से प्रेम विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा पूरी तरह से बलवती हो जाती है और संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको नौकरी व्यापार में तरक्की चाहिए तो आप जन्माष्टमी के दिन घर से 7 कन्याओं को घर बुलाइए, 7 कन्याओं को घर बुलाइए और उन्हें खीर खिलाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जन्माष्टमी के दिन शाम के वक्त तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे को 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से गृह कलेश दूर होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। यदि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, व्यापार और नौकरी में आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर से 7 कन्याओं को बुलाइए। अब उन्हें सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, खीर खिला सकते हैं और उपहार दीजिए। इस उपाय को अगले 5 शुक्रवार तक लगातार कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और नौकरी व्यापार में मनोवांछित सफलता मिलेगी। अगला उपाय, मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी से लगातार 27 दिन तक कृष्ण के मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाता है, उस व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे जो पुराण है उसमें भी उल्लेखित है। तो ये मैंने आपको कुछ 14-15 उपाय बताए हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।